प्रिय पाठकों, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतिहास विषय से जुड़े हुए अर्थात इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में शीर्षकों के अंतर्गत कई शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में दर्ज कराए गए हैं। उन्हीं में एक शीर्षक से जुड़े हुए एक प्रश्न को आज मैं आपके समक्ष पुनः रख रहा हूँ। प्रश्न को आप ध्यान से सुनेंगे, उसकी व्याख्यान भी रखने की मैं कोशिश करूंगा। तो प्रश्न सहायक संधि से जुड़ा हुआ है, आप प्रश्न को सुनेंगे। प्रश्न है कि सहायक संधि अर्थात सब्सिडरी अलायंस की मुख्य शर्तों की विवेचना करें। इसने किस प्रकार ब्रिटिश कंपनी को भारत में सर्वोच्च स्थान पाने में सहायता की, विवेचना करें। तो कुल मिलाकर के ऐसा एक प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो इसके अंतर्गत जो बातें लिखी जानी चाहिए अर्थात जो जवाब लिखा जाना चाहिए वो सारगर्भित हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। यदि इस प्रश्न का चरित्र बदल दिया जाए, थोड़ा सा बदलाव हो जाए इस प्रश्न में, तो उसका स्वरूप कैसा होगा उसे भी आप सुन लें। अगला प्रश्न जो इसी से जुड़ा हुआ हो सकता है कि वेलेस्ली की सहायक संधि जहां कंपनी को सैन्य और वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने में सफल रही थी, वहीं भारतीय राज्यों के लिए ये मीठा विष सिद्ध हुई, विवेचना करें। तो ये दोनों प्रश्न कमोबेश से एक ही तरह प्रतीत होते हैं और नो डाउट इसके जवाब भी एक ही होंगे, अर्थात एक ही जवाब के इर्द गिर्द आपको लिखने पड़ेंगे। तो आप किस तरीके से इस प्रश्न की व्याख्या लिखते हैं आप उस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। आप लिखते हैं कि सहायक संधि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई एक ऐसी नीति थी जिसके द्वारा कंपनी भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। 18वीं शताब्दी के काल में कंपनी ने अनेक संधियों का प्रसार किया था, परंतु सहायक संधि का मुख्य श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को जाता है, जिसका कार्यकाल 1798 से लेकर के 1805 तक की अवधि तक का था। इसके शासनकाल में लगभग 100 से ज्यादा कई संधियां हुई थी। तो जहां तक लॉर्ड वेलेस्ली की बात है, लॉर्ड वेलेस्ली सर जॉन सोर के बाद ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी के पांचवें गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे। बेहद ही साम्राज्यवादी प्रकृति के व्यक्ति, जिन्होंने अपने शासनकाल में गवर्नर जनरल का काल कर शासनकाल में, इस वक्त जब वो उनका आना हुआ तो भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब थी। राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब थी, संदर्भ में कहने की आवश्यकता यह है कि उस वक्त हैदराबाद के जो निजाम थे वो फ्रांस के से सहयोग प्राप्त हो रहा था उन्हें। उसी तरह मुगल शासक उस वक्त जो शाह आलम थे उनका नाम मात्र का शासन रह गया था। इसी तरह से मैसूर में टीपू का शासन था, और इतना ही नहीं पंजाब में रंजीत सिंह की शक्ति भी उस वक्त बढ़ गई थी। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लॉर्ड वेलेस्ली का आना हुआ, और उस वक्त उनके आने के बाद उन्होंने एक बड़ी चतुराई से उस कौशल के तहत भारतीय रियासतों को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश की, ताकि युद्ध भी ना हो और वो सरलता से सहजता से उसके अधीन आ जाए। हालांकि सहायक संधि की बात मैं करूं तो इसकी शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों में इस तरह की संधि से अपनी शासन व्यवस्था शुरू की थी। उस वक्त भारतीय रजवाड़ों से अपनी सेवाएं किराए पर दिया करते थे। इसके बाद मैं बात करूं थोड़ी सी, रॉबर्ट क्लाइव की भी बात कर ली जाए, अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली के आने से पहले पूर्ववर्ती कुछ गवर्नर जनरल और या फिर गवर्नर्स की भी गतिविधियों का भी एक तरह से मूल्यांकन हो जाना चाहिए आपके प्रश्न की व्याख्या में। तो ये सब बातें पृष्ठभूमि में लिखी जा रही। रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के गवर्नर थे, से आप द्वैत शासन के जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं, तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि में कमोबेश इसी तरह की नीति को लॉर्ड क्लाइव ने भी अपनाया था। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में अवध के नवाब के साथ संधि पर हस्ताक्षर करके कंपनी की सेना को अवध की रक्षा करने का अधिकार ले लिया था, और अवध के नवाब से यह भी वायदा किया लिया था कि उसकी सेना का सारा खर्च अवध ही वहन करेगा, तथा एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी
अवध में नियुक्त कर दिया गया था तथा उसे विदेश नीति को संचालित करने का भी अधिकार कंपनी ने अपने पास रख लिया था। कमोबेश ऐसी ही स्थिति 1787 ईस्वी में कार्नवालिस का जब गवर्नर जनरल थे उसके कार्यकाल के दरमियान भी इसी तरह से किसी भी अन्य शक्ति से संबंध बनाने से पूर्व अवध राज्य को कंपनी की आज्ञा लेने का अधिकार भी अपने पास कार्नवालिस ने रखा था। अब मैं बात करता हूं 1798 ईस्वी में अवध नवाब ने यह भी मान लिया था उसके बाद अर्थात इस घटना के 11 वर्षों के बाद अवध के नवाब ने यह मान लिया था कि अन्य कोई भी विदेशी अवध के रियासत में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। और इसके बाद जब लॉर्ड वेलेस्ली का आना हुआ तो उसका मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना ही था। इसके द्वारा उसने सहायक संधि में यह भी शामिल कर लिया कि संधि करने वाली रियासतें को अब एक भूभाग भी कंपनी को सौंपना होगा जिससे कि रियासत पर अधिक नियंत्रण रख सके। तो इस तरह की बातों को यहां तक लिखने के उपरांत आप नए पैराग्राफ में लिखते हैं कि ये सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में हुआ वो कई चरणों में संपन्न हुआ। तो वो चरण क्या थे, उसकी व्याख्या वांछित है, और उसके बाद किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ा, इसके सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़े, नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़े, इस पर भी दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। तो अगले पैराग्राफ में इस पर भी मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यह बताने की आवश्यकता है कि सहायक संधि का विस्तार 4 विभिन्न चरणों में हुआ था। पहले कोई भी रियासत पैसे देकर कंपनी को सेना को अपनी सुरक्षा के लिए रख सकती थी। और इस प्रकार पहला समझौता जो हुआ था वो हैदराबाद राज्य ने 1768 ईस्वी में कंपनी के साथ किया था। इसी तरह दूसरा, कोई भी रियासत अपनी रक्षा के लिए वार्षिक फीस अदा करके कंपनी की उस सेना का प्रयोग कर सकती थी जो उसकी रियासत के आसपास के राज्यों में स्थित है। इस प्रकार की संधि सिंधिया के द्वारा की गई थी। और इसी प्रकार तीसरा जो कारण था या तीसरा जो चरण था सहायक संधि का, उस पर मैं ले जा रहा हूं। तो तीसरे चरण में कंपनी की सेना किसी भी रियासत में रहकर अपनी सेवाएं उस राज्य के सुरक्षा के लिए दे सकती थी तथा रियासत को कंपनी की सेना का पूरा खर्च भी वहन करना पड़ता था। इसी तरह से संधि, इस तरह की संधि हैदराबाद के साथ हुई थी। चौथे चरण की मैं बात करूं तो चौथा यह अंतिम चरण जो था सहायक संधि के तहत, उसमें कंपनी की सेना राज्य में रहते हुए पैसे ना लेकर के अपना खर्च चलाने के लिए किसी के भी भूभाग पर हमेशा के लिए अपना शासन स्थापित कर सकती थी। तो इन 4 चरणों को आधार मानकर सहायक संधि के तहत विभिन्न रियासतों को लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने पक्ष में रखने की कोशिश की। इसी कड़ी में यह भी जानने की जरूरत है कि इस प्रक्रिया में कितने रियासत उसके इस घेरे में आए या फिर सहायक संधि से उन्हें जूझना पड़ा। तो अवध की मैं बात करूं, अवध 1801 ईस्वी में इस तरह की संधि कंपनी से करना पड़ा। इस तरह बरार के भोसले जो थे वो 1803 ईस्वी में, सिंधिया ने 1804 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में होलकर ने, इस तरह की संधि से गुजरना पड़ा और कंपनी से काफी लाभान्वित हुई क्योंकि इस तरह से वह अपने प्रतिद्वंदी फ्रेंच कंपनी को रियासतों से दूर रखने में कामयाब रही थी। तो इस तरह की कूटनीति अपना करके लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी रियासतों को अपने पक्ष में बखूबी अपने साथ जोड़ने में कामयाब होता चला गया। कंपनी के सैनिक साम्राज्य का विस्तार इस तरह से कहा जाए तो पूरे देश में फैल चुका था। भारत की वो रियासतें कुल मिलाकर कहा जाए तो अपनी संप्रभुता खोती भी नजर आ रही थी। वे आपस में किसी भी तरह का राजनीतिक संबंध बिना किसी अंग्रेजों की बिना अनुमति से नहीं बना सकते थे। तो सहायक संधि ने कुल मिलाकर के भारतीय रियासतों को कहा जाए तो कुल मिलाकर के पंगु बना दिया था। और जहां तक देशी रियासतों के बारे में और कुछ जोड़ने की आवश्यकता है तो वे सब कुछ अपने हाथों से
एक तरह से उनका वजूद ही निकलता चला जा रहा था। ये सारी बातें आप अपने व्याख्यान के अर्थात इस प्रश्न के जवाब पर लिखना चाहेंगे कि वे असहाय और कंपनी के हाथों कठपुतली मात्र रह गए थे। इससे उनकी प्रशासनिक अक्षमता भी बढ़ चुकी थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला भी हो गया था। अंततः वही हुआ कि भारतीय रियासतों का नैतिक पतन हो गया या होता चला गया, या यूं कहा जाए कि नैतिक रूप से वे दिवालिया हो गए। आगे अगले पैराग्राफ में आप लिखते हैं कि आप कह सकते हैं कि इन संधियों से रियासतों के निवासियों को भी कम नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वे भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। शासक तो कम से कम अपनी शासन शान का जिंदगी वो भोग ही रहे थे, क्योंकि आम नागरिकों को दो दो शासकों का बोझ झेलना पड़ रहा था, एक तरफ अंग्रेजों का, दूसरी तरफ अपने रियासती शासकों का। भारतीय शासक तो अपने भोग विलास में डूबे हुए थे, है ना, वो छुट्टियों में इंग्लैंड की दौरा करना उनका एक तरह से शौक बन गया था इस प्रक्रिया में, क्योंकि एक तरफ संधि करते थे, दूसरी तरफ उनकी सुविधाएं उनको व्यक्तिगत तौर पर मिल जाती थी, जबकि देश के जो नागरिक थे वो भूखे मरते चले जा रहे थे। तो इस तरह की जो संधियां हुई थी उसका व्यापक रूप से नुकसान नागरिकों को झेलना पड़ा था। अंग्रेजों के अधीन की मैं बात करूं तो उस वक्त अंग्रेजों के अधीन भारत का जो भाग था वो अपने समस्त शोषण के बावजूद कुछ अर्थों में अगर मैं कहूं कि विकास के पथ पर अग्रसर रहा होगा, जबकि भारतीय शासकों के इलाके कुल मिलाकर बिल्कुल पिछड़ चुके थे। तो इस तरह से इतनी व्याख्या लिखने के बाद आप निष्कर्ष में यह लिखना चाहेंगे, इस प्रकार सहायक संधि के द्वारा कंपनी ने न केवल एक विशाल सेना को भारतीय राज्यों के व्यय पर रखने में सफल हुई, बल्कि बिना लड़े अनेक राज्यों में अपना विस्तार करने में भी सफल रही। वहीं भारतीय राज्य कुल मिला के धनहीन होते चले गए और संप्रभुता वहीन भी होते चले गए। तो आज जो मैं प्रश्न आपके समक्ष रखा उसकी सीमित व्याख्या अब तक रखने की मैंने कोशिश की। तो जैसा कि सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के प्रश्नों का स्वरूप होता है और उसके अंतर्गत जो प्रश्न और उसके जवाब जो अपेक्षित होते हैं छात्रों से, कमोबेश इतने इस तरह के जवाब लिखे जाने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज मेरा यह व्याख्यान इस प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए जो आप तक पहुंचाया मैंने, वो आपको सारगर्भित लगा होगा और इसे आप परीक्षा उपयोगी मान सकते हैं। पुनः किसी नए विषय पर मैं आपके नए वीडियो के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहे, अपने मित्रों के साथ साझा करें, मेरे वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ पहुंचूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।